वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। अगर आप सेल बायोलॉजी के सभी लेक्चर लाइन से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर किसी भी टॉपिक को आप नॉलेज अड्डा लायन बैची नाम से सर्च करते हो बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर तो भी आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। बता दूं गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। जो जो भी पॉइंट बताते जाऊंगे नोट करते जाना। ये क्वेश्चन सीधा 5 से 6 नंबर के लिए आता है ना, लॉन्ग टाइप आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है। किसके ऊपर? माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो देखिए, लैब में तो आप सभी ने माइक्रोस्कोप जरूर देखा होगा। और एक चीज और बताना भूल गई, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। बीच बीच में आप लोगों को डायग्राम भी बताते जाऊंगी, जिसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है और वही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक। तो देखिए, माइक्रोस्कोप तो आप सभी ने देखा ही होगा, लैब तो आप जरूर जाते हो गए है ना। जूलॉजी वाला अगर लैब जाते हो तो उसमें देखना, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु जो हम लोगों को खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि सेल वगैरह हो गया, कोशिका वगैरह हो गया, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो उसने क्या है, माइक्रोस्कोप में लेंस वगैरह लगा रहता है, उसके जरिए हम लोग किसी भी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं इजिली। एक बार डेफिनेशन पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर सेल बायोलॉजी में इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखिए, वह मशीन जिसकी सहायता से आंख से ना दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। ऐसे वस्तु जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन वस्तुओं को भी माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। बात करें सेल बायोलॉजी में आखिर इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई होती, अगर माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई होती, तो कभी भी हम लोग कोशिका को तो देख नहीं पाते, सेल को कभी भी हम लोग देख नहीं पाते, फिर सेल बायोलॉजी का नाम ही नहीं रहता साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, क्योंकि सेल इतना छोटा होता है ना कि हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही हम लोग सेल को देख पाते हैं। तो इसलिए सेल बायोलॉजी में, मतलब जो कोशिका विज्ञान है, उसमें सूक्ष्मदर्शी का कितना ज्यादा रोल होता है ना। चलिए, ये तो आप लोग समझ गए माइक्रोस्कोप क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं इनकी डिस्कवरी के ऊपर। टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के द्वारा अलग अलग डिस्कवरी किया जाता आ रहा है माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। पहले के जो माइक्रोस्कोप बनते थे सन 1590 में फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई थी। किनके द्वारा किया गया था? जैकरीज जैनसन के द्वारा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप का यूज किया तो उन्होंने देखा कि हम किसी भी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक इमेज देखिए, देखिए जो फर्स्ट आपका माइक्रोस्कोप था वो कैसे था, मतलब एक रॉड के समान, जैसे लोहे का पेन आता है होगा ना, वैसा ही बिल्कुल एक रॉड के समान ये माइक्रोस्कोप बना हुआ था। तो देखिए, बहुत पहले की बात है ना, ये 1590 की बात है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गए और साइंटिस्ट लोग आते गए, इनमें सुधार होता गया। और आज के माइक्रोस्कोप की अगर आप बात करोगे ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु को लाख गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो पहले के अपेक्षा तो आज का माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा विकसित है। तो फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज में आ सकता है, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो। फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी? 1590 में हुई थी, जैकरीज जैनसन के द्वारा। अगर माइक्रोस्कोप पर ऐसे लिखने के लिए आता है तो जितना भी हिस्ट्री है ना डिस्कवरीज, उसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इमेज देख लिए आप लोग। चलिए सेकेंड नंबर की बात हम लोग करते हैं। देखिए, सारे माइक्रोस्कोप में एक चीज कॉमन था कि वहां पर लेंस लगा होता था। लेंस के हेल्प से किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता था, है ना। सेकंड नंबर में आए गैलीलियो, उस समय के काफी प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे गैलीलियो। सन 1660 में उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसे गैलीलियो माइक्रोस्कोप कहा जाता है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो कि गैलीलियो माइक्रोस्कोप कैसा होता है, देख लिए आप लोग। तो ये बहुत ज्यादा पुराना माइक्रोस्कोप था। अब आगे आगे टाइम बढ़ता गया, नए नए साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपना अपना माइक्रोस्कोप प्रस्तुत करते गए। सन 1665 की बात है, फादर ऑफ साइटोलॉजी जिसे इंजीनियर कहते हैं रॉबर्ट हुक, मतलब जी कोशिका विज्ञान के जनक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोशिका को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्होंने बनाया हुआ था, जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, है ना। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि इनका माइक्रोस्कोप कैसा था। आज का जो हमारा माइक्रोस्कोप था ना, उनसे काफी मिलता जुलता माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप। यहाँ पर भी लेंस लगा होता था, यहाँ पर भी लाइट लगा होता था, बट वहां पे लाइट नहीं, वहां पर मोमबत्ती का यूज करते थे, क्योंकि उस समय तो लाइट का उतना ज्यादा वो नहीं था, तो उन लोग मोमबत्ती के जरिए
है ना। देखिए मोमबत्ती के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पर लाइट डाला जाता था, उसके बाद लेंस में जो है वो जो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद उन आईपीस के जरिए उन लोग देखते थे। खैर प्रिंसिपल मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस तरीके से प्रिंसिपल काम करता है। तो ये था रॉबर्ट हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे चलते हैं, सन 1665 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उन्होंने और अधिक इसमें जो है वो संशोधन किया और एक अपना नया माइक्रोस्कोप बनाया। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, जैसे चूहे पकड़ने वाली मशीन आती है ना गाइस, बिल्कुल वैसा ही दिखता था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप। बट इसमें ये खासियत बात था कि इनके माइक्रोस्कोप में किसी भी छोटे से छोटे वस्तु को 50 से 100 गुना बड़ा करके देखा जा सकता था। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे वो माइक्रोस्कोप बनाने का काम करते थे, ये भी साइंटिस्ट ही थे। अब आते हैं सन 1932 की। देखिए सन 1675 से लेकर के 1932 तक बहुत सारे माइक्रोस्कोप बने क्योंकि इनमें संशोधन होता गया, बड़े से अच्छे लेंस का यूज किया गया है ना। लेकिन सबसे पहले सन 1932 में एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रस्का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो फॉर्म किया। अब यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी बड़ा सा माइक्रोस्कोप है जो किसी वस्तु को लाख गुना बड़ा, आप समझ सकते हो, लाख गुना बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखो पहले का माइक्रोस्कोप केवल 50 से 100 गुना बड़ा करके दिखाते थे, लेकिन आज का जो माइक्रोस्कोप है, आज का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इतना ज़्यादा डिस्कवरी हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम कितने भी छोटे से छोटे चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। तो आज के समय में अगर हम लोग साइटोलॉजी करना, मतलब सेल बायोलॉजी की स्टडी करना चाहे, किसी कोशिका का अध्ययन करना चाहे, तो कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। इसी कारण तो हम लोग सेल के अंदर भी जितने भी छोटे से छोटे पार्ट है ना, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे किसी भी टाइप के कॉम्पोनेंट हो, सभी को हम लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। किसके जरिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। तो इतना आप लोगों को डिस्कवरी समझ में आया कि कैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया गया। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब चलिए मैं प्रिंसिपल बता देती हूँ माइक्रोस्कोप का। चलिए माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आखिर माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं और माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आप लोग प्रिंसिपल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। देखिए दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप अपने लैब में जाते हो, लैब में जो माइक्रोस्कोप रखा रहता है ना, वो कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना, जो आप यूज करते हो अपने लैब में प्रैक्टिकल वगैरह में। तो चलिए प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डायग्राम क्या है, वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, अभी थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को इसको अच्छे से क्लियर करके दिखा दूंगी, है ना। सो अभी उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पर जो आप माइक्रोस्कोप देख रहे हो, जो आपके एक्चुअल लैब में यूज होता है, वो है आपका लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी। पूरा मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या होता है प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी? नाम से स्पष्ट है, लाइट माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके यूज करने के लिए हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। लाइट का यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। देखना, आप कभी लैब गए होंगे तो किसी भी, चाहे आप किसी पत्तियों के या फिर पेड़ पौधों के या फिर किसी एनिमल के, जब भी आप कोशिका को देखने की कोशिश किए होंगे, तो जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें पहले लाइट डाला जाता है ना, प्रकाश का उपयोग किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्योंकि भाई जब तक लाइट का उपयोग हम नहीं करेंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे? तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि लाइट को ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है, क्या, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम अच्छे से देख सके, और जो भी वहाँ पर माइक्रोस्कोप में जो भी लेंस वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, उस लेंस पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन जाता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे हम लोग आईपीस के जरिए आसानी से देख सकते हैं। वस्तु को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके दिखाया जा सकता है। पार्ट्स में जब मैं आप लोगों को पार्ट्स नेम बताऊंगी तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लाइट माइक्रोस्कोप समझ में आ गया, ऐसा माइक्रोस्कोप
जिसका यूज हम लोग मतलब जब लाइट का यूज किया जाता है किसी माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो आपका प्रकाशिकी सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोप कहलाता है। देखो लाइट माइक्रोस्कोप भी ना टू टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं सरल प्रकाशिकी सूक्ष्मदर्शी। सेकंड नंबर का होता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे कहते हैं संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप पर टिप्पणी लिखिए। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो अपन जो भी लैब वगैरह होता है ना जिसमें यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, वो क्या का माइक्रोस्कोप होता है? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होता है। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है वो इमेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और एक एक पार्ट्स को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊंगी। सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा माइक्रोस्कोप का, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आईएसओ को काफ़ी हद तक कम कर दिया है ताकि आप लोगों को डायग्राम काफ़ी हद तक क्लियर दिखाई दे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तो आपके मतलब आपके आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम को सेलेक्ट किया है, अब तक का सबसे बेस्ट डायग्राम है ये डायग्राम, आप लोग अपने एग्जाम में जरूर बना सकते हो। थोड़ा सा आईएसओ मैं यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, चलिए मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करती हूं। तो चलिए गाइस एक-एक पार्ट्स का आप लोगों को नाम याद करना है और एग्जाम में डायग्राम भी बनाना है और सारे नाम को याद करके आप लोगों को लिखना भी है ना। तो माइक्रोस्कोप का ये वाला हैंडल वाला पार्ट देख रहे हो ना जो बेसिकली पकड़ने के काम आता है, वो क्या कहलाता है? आर्म कहलाता है, आर्म कहलाता है। मैं और लिख दे रही हूं ताकि कुछ चीज आपको ब्लर हो रहा है ना तो वो भी आप लोगों को क्लियर दिख जाए। तो ये वाला हिस्सा आर्म कहलाता है। आर्म से जो हिस्सा जुड़ा रहता है एक लंबा सा बेलनाकार आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? बॉडी ट्यूब कहलाता है। लाइट माइक्रोस्कोप का क्या कहलाता है? बॉडी ट्यूब कहलाता है। तो बॉडी ट्यूब के सबसे नीचे किससे जुड़ा रहता है? इसके नीचे वाला पार्ट आर्म से जुड़ा रहता है और इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में लगा होता है ऑक्यूलर लेंस, जिसे हम लोग कहते हैं आई पीस। यहाँ पर एक लेंस भी लगा होता है जिसके जरिए हम लोग किसी वस्तु को जो है वो देख पाते हैं, है ना। किसी भी जो भी सूक्ष्म वस्तु है, जैसे कोई भी सेल हो गया, जिस भी वस्तु को हमें देखना है उसी आई पीस के जरिए हम लोग आई को जो है वो एडजस्ट करते हैं और वहीं पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ऑक्यूलर लेंस लगा होता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, बॉडी ट्यूब, आई पीस और आर्म, है ना, ये हुआ। अब हम लोग आते हैं नोज पीस के ऊपर। क्या कहा ये? नोज पीस। तो नोज पीस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये राउंड वाला हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा जो जस्ट बॉडी ट्यूब के नीचे है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नोज पीस कहलाता है। और इसी नोज पीस में लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर लगे होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग फोकस करते हैं, जो भी लेंस हमें देखना है उस पर हम फोकस कर किसी वस्तु को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग लेंस होते हैं और इनकी आवर्धन क्षमता भी कई प्रकार की हो सकती है, किसी का 10x हो सकता है, किसी का 40x हो सकता है, किसी का 100x हो सकता है। तो आखिर ये क्या होता है 40x 100x? इसका मतलब ये है 10x मतलब किसी वस्तु को हम लोग 10 गुना बड़ा करके देखेंगे, 40x मतलब किसी वस्तु को हम लोग 40 गुना बड़ा करके देखेंगे, 100x मतलब किसी वस्तु को हम लोग 100 गुना बड़ा करके देखेंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता ना ये तो किसी वस्तु को हम लोग 1,00,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ये सिंपली लैब वगैरह में यूज होने वाला सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं ना उनकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्टेज के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो ना इसे क्या कहा जाता है? स्टेज। स्टेज क्या होता है? जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जो स्लाइड रहता है ना, स्लाइड जिसमें आप किसी भी चीज को रखे रहते हो, उस स्लाइड को रखने के लिए एक स्टेज होता है जिसपे हम लोग किसी भी चीज को रखते हैं, जिस भी वस्तु को हमको देखना होता है ना, इसी स्टेज के ऊपर लगे होते हैं क्लिप। 2 क्लिप लगे होते हैं और उस क्लिप दोनों क्लिप के हेल्प से जो भी स्लाइड वगैरह है जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है उसको हम लोग क्या करते हैं? टक करते हैं या फिर वहां पे मतलब उसको फंसा के रखते हैं या फिर उसको सुरक्षित रखते हैं क्लिप के जरिए, ताकि इधर उधर हिले मत वो, है ना। तो ये हो गया स्टेज क्लिप। अब आते हैं हम लोग डायफ्राम के ऊपर। यहाँ पे ये स्टेज के अंदर में एक चीज और बता रही हूँ, स्टेज में ना एक छोटा सा छेद होता है,
ये छेद का क्या काम आता है, ताकि यहाँ पर जो देखो जो भी एल्यूमिनेटर लगा, जो भी डायफ्राम यहाँ पर लाइट वगैरह लगा रहता है ना, लाइट और मिरर वगैरह लगा रहता है, तो जो भी लाइट है ना उसका फोकस उसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। इधर से लाइट आएगा और इस लाइट का फोकस इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो उस लाइट को फोकस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके हम लोग लेंस के जरिए, आईपीस के जरिए हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका डायफ्राम कहलाता है। इधर और भी हिस्सा है जिसे कोर फोकस कहलाता है, फाइन फोकस, जिसके हेल्प से हम लोग उसको अच्छे से फोकस वगैरह कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा बेस कहलाता है। और क्या है यहाँ पे, बस इतने ही कॉमन सी चीजें हैं। खैर अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा अभी थोड़ा बहुत, तो डोंट वरी, मैंने नोट्स में हर एक चीज को ना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग और इनके पार्ट्स के नाम याद कीजिए, बस इतना ही है ना, काफी है थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलिए ये आप लोगों को हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम लोग फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, जिससे किसी वस्तु को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो डायग्राम मत बनाना, सिंपल सा ये जो है ना ये वाला बना देना। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए इसका नाम आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों रखा गया, क्या कारण है कि इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो देखिए लास्ट टाइम जब आप लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ा हुआ था, तो उसमें आप लोग किसका यूज कर रहे थे, लाइट का यूज कर रहे थे, प्रकाश की किरणों का यूज कर रहे थे ना, उसको हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, तो वो चीज आपका लाइट माइक्रोस्कोप कहलाता है। देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें प्रकाश का यूज किया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रेज का यूज किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉन रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन रेज का उपयोग करके किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी देख रहे थे उसमें कांच के लेंस का यूज किया जाता है, मैं बताई ना ऑब्जेक्टिव लेंस ये वो, बट यहाँ पे ऐसा कोई कांच का लेंस यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक लेंस का यूज किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लेंस का यूज किया जाता है। सबसे सेकंड नंबर का मेन डिफरेंस ये है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि यहाँ पर मैग्नेटिक लेंस का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रेज का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला बात ये है, थर्ड पॉइंट का अंतर आप ये लिख सकते हो कि जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप था उनमें निर्वात कक्ष, ऐसा कोई आप लोगों ने सुना कि मैंने कोई निर्वात कक्ष बोला, वैक्यूम रूम ऐसा कुछ का यूज नहीं किया जाता, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना उनमें वैक्यूम का यूज किया जाता है, निर्वात कक्ष का यूज किया जाता है किसी वस्तु को देखने के लिए, ये होता है। चौथा अंतर ये है कि जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें ज्यादा से ज्यादा किसी वस्तु को 100 गुना, अरे ज्यादा ज्यादा 1000 गुना करके आप देख सकते हो, उसका पावर केवल 100x या फिर 1000x, मतलब किसी वस्तु को 100 गुना या फिर 1000 गुना बड़ा करके आप लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, बट ये जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें आप किसी वस्तु को 2,00,000 गुना बड़ा करके देख सकते हो, किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मतलब इनकी जो आवर्धन क्षमता होती है, मतलब इसका जो मैग्नीफाइंग जो पावर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, ये होता है गाइस आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आप लोगों को समझ आ गया, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन रेज होता है ना, इलेक्ट्रॉन की जो किरणें होती है उसे किसी ऑब्जेक्ट पे डाला जाता है, जैसे हम लोग वहां पे लाइट को डाल रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को किसी वस्तु पे जो भी हमको ऑब्जेक्ट देखना है उस पे जो है वो फोकस किया जाता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम उस वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद उसका जो भी इमेज वगैरह है वहां पर, जो भी स्क्रीन वगैरह होता है वहां पे जो है वो आप लोगों को दिखाई देने लगता है। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। वैसे मैंने और भी अच्छे से सिद्धांत को मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो अभी मैं जस्ट रफली बताई हूँ, उसको आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो और आप लिख भी सकते हो, है ना। तो आप लोग नोट्स का 2 मिनट और, ये हमारा कंप्लीट होने ही वाला है टॉपिक, फिर आप लोग नोट्स में अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे 1935 में नाल के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया, और सेकंड नंबर में है आपका देखिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे सन 1932 में नॉल एंड रस्का के द्वारा
जो है वो डिस्कवर किया गया। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बताती हूँ, फिर देन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें सिंपली क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है, इलेक्ट्रॉन रेज जो होता है, उसको किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो डाला जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन रेज किसी वस्तु पर डाला जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है किसी ऑब्जेक्ट पर डाला जा रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, टकराएगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वहां पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। आया समझ में आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन रेस को किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग डाले, वहां से टकराने के बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वहां पर उत्पन्न होगा। अब ये जो भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है वो डाला जाता है, जिससे हमको एक इमेज मिल जाता है, वो आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है। सो डोंट वरी अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, मैंने नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक। सेकेंड नंबर का देखो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? देखो इसमें क्या किया जाता है, जो ट्रांसमिशन माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक बिल्कुल पतला सा जो किरण पुंज होता है उसको किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वो डाला जाता है। अब जैसे ही पतला सा इलेक्ट्रॉन किरण पुंज किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा बिखर जाता है, और बिखरने के बाद कंडेंसर के हेल्प से, मैग्नेटिक कंडेंसर वगैरह वहां पे लगा रहता है, उसके हेल्प से फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है वो उसका पूरा इमेज बन जाता है। तो ये सब चीज होता है गाइस आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और जो भी इसका प्रिंसिपल है ना मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप लोग नोट्स में चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी तैयारी आप लोग कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जो डायग्राम बताई हूँ, ज्यादा से ज्यादा दो डायग्राम बनाना है, इसमें एक्स्ट्रा डायग्राम की तो नीड नहीं है, दो डायग्राम भी काफी है माइक्रोस्कोप के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं लेक्चर नंबर 2 कैसा लगा। लेक्चर नंबर 3 भी हम लोग लेकर के आएंगे, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फिक्सेशन के बारे में देखेंगे, कोई भी सैंपल को आप लोग माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हो, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।